हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, ट्यूटोरियल लीडर से। हमने इससे पहले बायोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया हुआ था, और बोर्ड परीक्षा को नजदीक देखते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा टॉपिक है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जीन गुणसूत्र के बारे में चर्चा की हुई थी। उत्परिवर्तन को समझने के लिए बहुत आसान एवं बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको ये चीज पता है कि प्रकृति का एक लक्षण होता है विभिन्नता, चाहे वह स्थूल हो सूक्ष्मतम हो, सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन पाया जाता है। एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न दो संतानों में बहुत कुछ लक्षण अपने जनक के समान होते हैं, और बहुत उन्हीं संतानों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अपने जनक से भिन्न होते हैं। तो जनक में कुछ लक्षण जनक के द्वारा जो भिन्न भी होते हैं उसी को हम विभिन्नता कहते हैं। और विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं किसमें, कहीं ना कहीं पर हमारे शरीर में, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्रों की हम बात करते हैं जिसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इन गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन होने के कारण या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण आने वाली संतान में कुछ परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। उन्हीं परिवर्तनों के बारे में, उसी चीज को पढ़ने के लिए हम आज चर्चा करेंगे उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसको एक परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया हुआ है कि यदि विभिन्नता जो वेरिएशन देखने को संतान में प्राप्त होता है, यदि वह विभिन्नता वंशागत हो तथा मतलब या तो वह वंशागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा हो, अथवा अकस्मात अचानक किसी जीव में उत्पन्न यदि हो जाता है, विभिन्नता किसी जीव में अचानक यदि उत्पन्न हो जाएगा या पीढ़ी दर पीढ़ी वह चला रहा हो, वंशानुगत हो, तो इस प्रकार का यदि परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं या म्यूटेशन कहा जाता है। बहुत आसान शब्द में आपको लिखना है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उत्परिवर्तन यदि किसी जीव में जो विभिन्नता है, यदि वह वंशागत चली आ रही हो या अचानक कोई परिवर्तन उसमें हो जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बोलते हैं अब जो वह उत्परिवर्तन नजर आया उस संतान में, जिस लक्षण जो संतान है उसमें वह संतति जो उत्परिवर्तन को स्वयं में यदि धारण करता है, उसमें है उत्परिवर्तन धारण करने की क्षमता है या धारण करता है, या उसे उस उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो ऐसे संतान को हम बोलते हैं उत्परिवर्ती संतान या उत्परिवर्ती कहलाता है। इसके अंतर्गत अब चर्चा उठती है या प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए आपका, उत्परिवर्तन को हम कैसे समझाएंगे, उत्परिवर्तन किस में पाया जाता है। तो उत्परिवर्तन का जो कारण बनता है, उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जनन कोशिकाओं में भी उत्परिवर्तन प्राप्त होता है। अर्थात उत्परिवर्तन किस में होता है, अगला क्वेश्चन आप व्यक्ति क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि उत्परिवर्तन किसमें होता है, कायिक कोशिका जनन कोशिका, कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका दोनों में या दोनों में नहीं, तो आपको दोनों में डालना है कि कायिक कोशिकाओं में और जनन कोशिकाओं में दोनों में उत्परिवर्तन प्राप्त होता है। अब बात उठती है कायिक कोशिका में कि कायिक कोशिका में जो उत्परिवर्तन होता है, यदि कायिक कोशिका में उत्परिवर्तन होगा तो जीवों की, जब जीव जो बना हुआ है उस जीव की मृत्यु तक वह उत्परिवर्तन उसके साथ रहेगा, और जैसे ही वह जीव की मृत्यु होती है वह उत्परिवर्तन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जनन कोशिकाओं में जो उत्परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा, वह जनन कोशिकाओं अर्थात जनन कोशिकाओं के माध्यम संतान बन रही है, अर्थात वह जो लक्षण है या वह जो उत्परिवर्तन है वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। यह उत्परिवर्तन जो जनन कोशिकाओं में जो उत्परिवर्तन होगा वह पीढ़ी दर पीढ़ी उत्परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए हम एक बात करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं, जिस प्रकार मटर के पौधे में एक उत्परिवर्तन के कारण पुष्प का जो रंग होता है वह लाल से सफेद हो जाता है। किसके कारण हुआ, पुष्प कैसा था, लाल था, लेकिन मटर का जो पौधा था उस पुष्प का रंग कैसा था, लाल, लेकिन परिवर्तन होने के कारण उसी पौधे के बीच से अगला जो पौधा बनता है उसमें पुष्प रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। सफेद किसके कारण हुआ, उत्परिवर्तन के कारण हुआ। और उसी बीज तथा बीज का जो आवरण होता है, बीज के बाहर का जो आवरण होता है वह कैसा रहता है, भूरा है, तो भूरा से वह कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन हमको देखने को प्राप्त होता है उसे बहुप्रभावी मतलब दोनों प्रकार का, देखो पुष्प में भी परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ और बीज में भी उत्परिवर्तन हमको देखने को प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन बहुप्रभावी उत्परिवर्तन कहलाता है, बहुप्रभावी उत्परिवर्तन कहते हैं। अब बोलता है
उत्परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होते हैं। क्लियर कट बात यही है, उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्रों में क्या होता है, जब गुणसूत्रों की जो क्रम है, जो सेट है, जो उसका सेट बना हुआ रहता है या पेयर जो रहता है, उनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो संतान में लक्षणों में विभिन्नता देखने को प्राप्त होगी, संतान के व्यवहार में परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा, और जो यह परिवर्तन हुआ इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इस आधार पर गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों में जब परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन होता है। अब उत्परिवर्तन को हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक होगा संख्यात्मक, दूसरा होगा रचनात्मक। तो पहला मैं बात कर रहा हूं संख्यात्मक उत्परिवर्तन की। संख्यात्मक उत्परिवर्तन के अंतर्गत हम उत्परिवर्तन को हम दो प्रकार से बांटा है कि अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है आपके, तो आपके शरीर में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। और गुणसूत्र बोलता है अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति एवं उसमें परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला लिख दिया उसने गुणसूत्री उत्परिवर्तन और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्री क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, गुणसूत्री उत्परिवर्तन के बारे में। तो गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो होता है, बोलता है उस शब्द से ही आपको गुणसूत्री उत्परिवर्तन। कई फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम किसी टॉपिक को समझने में हमको दिक्कत होने लगती है, हम उस प्रश्न का उत्तर को हम छोड़ के आते हैं। आपको यहां पर यह करना है कि जो आपको टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को आपको संधि विच्छेद करना है और उसी को बार बार आपको शब्दों को तोड़ के कोशिश करनी है उसका आंसर निकालने की। गुणसूत्री उत्परिवर्तन अर्थात गुणसूत्रों में यदि उत्परिवर्तन हुआ है तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब आपको यह भी पता है कि किसी भी जीव में गुणसूत्र हमारे पैर के रूप में पाए जाते हैं, तो बोलता है गुणसूत्र प्रायः डिप्लॉयड अवस्था में या हैप्लॉयड अवस्था में पाए जाते हैं। यू नो दैट, आप भी इस चीज को जानते हैं। तो बोलता है प्रायः गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में पाए जाएंगे या आगुणित अवस्था में, आगुणित अर्थात हैप्लॉयड और द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड अवस्था में पाए जाते हैं। और हैप्लॉयड की अवस्था कब बनेगी, जब युग्मकों के बनने के कारण यह अवस्था बनती है आगुणित अवस्था, जब उसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन के बारे में या संख्यात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं उसके प्रकार कि संख्यात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के कितने प्रकार हैं, दो। पहला संख्यात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। हम पहले की बात कर रहे हैं संख्यात्मक उत्परिवर्तन के अंतर्गत, हम बात कर रहे हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तन में इसके प्रकार होता है। तो पहला प्रकार है इसका सुगुणिता। सुगुणिता क्या कहलाती है इसके बारे में आप जानने का प्रयास करिएगा। सुगुणता मतलब जो गुणसूत्र होंगे उनमें कुछ अंतर आता है। तो बोलता है जब गुणसूत्र के आगुणित अवस्था, भी आगुणित अवस्था की मैंने बात की थी, तो गुणसूत्रों के आगुणित सेट में संपूर्ण रूप से गुणोत्तर अर्थात डबल, जस्ट डबल, जैसे एक का डबल दो, दो का डबल चार, तो गुणोत्तर रूप से यदि वृद्धि होती है तो उसे सुगुणिता या यूप्लाइडी कहा जाता है, यूप्लाइडी कहलाती है। ऐसे जीव जिनमें यह उत्परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है उसे उपलायड कहा जाता है, यूप्लाइड कहा जाता है, या इसी को सत्य बहुगुणिता भी कहते हैं। किसी भी जीव की कोशिका में यदि गुणसूत्र, समझिएगा बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यदि किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या में यदि लगातार गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, अर्थात उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो उनके वृद्धि गुणसूत्रों की संख्या में यदि वृद्धि हो रही है, जैसे हमने अभी यूप्लाइड बात की अर्थात दो हो गए, एक था दो हो गए, तो यूप्लाइड की हमने बात कर दी। इसी अंतर्गत यदि बोलता है यदि गुणसूत्रों की संख्या में तीन की वृद्धि हो जाए तो उसे ट्रिप्लॉयड, चार की वृद्धि हो जाए तो टेट्राप्लॉयड, पांच की वृद्धि हो जाए तो पेंटाप्लॉयड, और छह की वृद्धि हो जाए तो उसे हेक्साप्लॉयड कहा जाता है। इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है बहुत सरल शब्दों में, कि यदि कोई द्विगुणित जीनोम में जैसे मान लीजिए डबल ए है, गुणसूत्र जोड़े में है, डबल ए के रूप में है, तो इसमें वो होने वाली यदि वृद्धि, यदि डबल से कितना हो गया ट्रिपल हो गया, तीन हो गए या यहां पर चार हो गए, एक दो तीन चार, दो थे तीन हो गए तो ट्रिप्लॉयड, चार हो गए तो टेट्राप्लॉयड। तो इस प्रकार की जो उत्परिवर्तन होगा या इस प्रकार जो गुणसूत्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उसे हम स्वबहुगुणिता कहते हैं, स्वबहुगुणिता कहा जाता है। यदि ये तो हो गया जब एक जैसे गुणसूत्रों में वृद्धि हो रही है,
उसके आधार पर। अब बोलता है यदि भिन्न प्रकार के जो गुणसूत्र हैं, भिन्न प्रकार के जीवों में यदि उनका जो गुणसूत्रों का सेट बना हुआ है वह ए और बी के रूप में है, और ए बी क्यों हुआ, तो मान लो हमने जो है जो लक्षण उसके अंदर आए हैं ए बी गुणसूत्र का, वह संकरण के द्वारा उत्पन्न कोई जीव होगा, उसमें जो गुणसूत्रों का सेट है वह ए और बी है। तो यदि वह जो संकरण होता है तो एक जगह एकत्रित, जब वह आपस में मिलते हैं तो एक जगह एकत्रित होकर इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार डबल ए और डबल बी, अब इस प्रकार का मान लो संकरण के द्वारा इस प्रकार का उनका गुणसूत्र है डबल ए और डबल बी है, अब उनकी संख्या में यदि एक एक गुणसूत्रों की और वृद्धि हो गई है, तो इस प्रकार की जो वृद्धि हो रही है, गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, उसे पर बहुगुणिता कहा जाता है, पर बहुगुणिता कहते हैं। बोलता है ये इस प्रकार का जो संकरण से उत्पन्न जो नए प्रकार के जीवधारी हैं या नए प्रकार के जो पौधे हैं, नए प्रकार के पौधों से हम गेहूं और सरसों की पौधों की बात करें, तो सुगुणता के अनेक प्रकार के जंतु, सुगुणता के द्वारा अनेक प्रकार के जंतु और वनस्पतियों में जैसे गेहूं और सरसों में भी नए प्रकार की नई किस्मों की प्रजाति को प्राप्त करने में सुगुणता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये है सुगुणता। अब सुगुणता के पश्चात संख्यात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन का दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार हो गया सुगुणता, दूसरा प्रकार है आपका असुगुणता, उसको हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। तो अभी हमने बात की थी सुगुणिता के संदर्भ में, अब हम बात करेंगे संख्यात्मक या संख्यात्मक उत्परिवर्तन को हम देख रहे हैं, संख्यात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन के बारे में। तो उसका हम दूसरा प्रकार, अभी हमने देखा पहला प्रकार सुगुणिता को हमने जाना, ये पहला प्रकार था। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं असुगुणिता, इसको भी समझिएगा। यहां पर हमने लगातार एक एक गुणोत्तर वृद्धि करते गए, अब असुगुणता के बारे में हम देखते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एन्यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी कहा जाता है। असुगुणता के बारे में बोलता है कि ऐसा उत्परिवर्तन जो जीवों के कोशिका के द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक या दो गुणसूत्र के अधिक या कम होने से हो जाती है। बोलता है गुणसूत्रों की संख्या में, यदि गुणसूत्रों की संख्या में एक या तो वृद्धि हो जाए या एक की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसे असुगुणिता कहा जाता है। यहां पर आप लिखिएगा गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि का होना, इस प्रकार का जो आपका उत्परिवर्तन होता है उसे हम असुगुणिता कहा जाता है। और जीव, ऐसे जीव को हम असुगुणित जीव कहते हैं। अब असुगुणित जीव या असुगुणिता, इसको हम अलग अलग वर्गों में डिवाइड करते हैं, तो इनको निम्नांकित प्रकार से हम अलग अलग वर्ग बता रहे हैं, किस किस प्रकार के जीवों में कैसी कैसी असुगुणिता होती है। तो इसका पहला टाइप होता है हाइपोप्लाइडी, हाइपोप्लाइडी एक ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें द्विगुणित जो गुणसूत्र हैं, द्विगुणित मतलब पेयर के रूप में, द्विगुणित जो गुणसूत्र हैं, डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम हैं, उनकी संख्या में एक, समझिएगा दो डिप्लॉयड गुणसूत्र हैं या द्विगुणित गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या में एक या दो गुणसूत्र की हानि हो जाए, एक या दो गुणसूत्र की यदि हानि हो जाती है, इसको आप टॉपिक इसी बार समझिएगा और उसको अंडरलाइन करके समझिएगा कि यदि हाइपोप्लाइडी, यदि उसके गुणसूत्र में एक
या दो गुणसूत्रों की यदि उसमें हानि हो जाती है तो इसे हम हाइपोप्लाइडी कहा जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है, या समझिएगा इसे दोनों प्रकार को। इसका पहला प्रकार होता है हाइपोप्लाइडी के अंतर्गत मोनोसोमी, इसका पहला प्रकार है मोनोसोमी कहलाता है, और इसका दूसरा प्रकार है नलीसोमी। नलीसोमी ये दो प्रकार से हम इसको हम बात करते हैं कि मोनोसोमी क्या है। तो ये देखो कोई भी परीक्षा में प्रश्न आता है, दो दो नंबर के प्रश्न भी आते हैं, तीन नंबर का भी प्रश्न आता है, और अति लघु उत्तरी के अंतर्गत प्रश्न डालता है असुगुणिता किसे कहते हैं, सुगुणिता किसे कहते हैं, मोनोसोमी किसे कहते हैं, नलीसोमी किसे कहते हैं, मोनोसोमी और नलीसोमी में अंतर क्लियर, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बहुत सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करना है कि मोनोसोमी जो होता है, जब द्विगुणित जो क्रोमोसोम है अर्थात द्विगुणित गुणसूत्र जो है, तो ये द्विगुणित जो गुणसूत्र होते हैं इनके सेट में, सेट जोड़े के रूप में, तो इनके सेट में एक क्रोमोसोम की यदि हानि हो, गुणसूत्र के सेट में यदि एक गुणसूत्र की क्या हो, हानि हो, तो यदि हानि होती है तो इस प्रकार क्या, इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है उसको मोनोसोमी कहा जाता है। इसको हम अर्थात कैसे लिखेंगे, 2N-1, इसमें एक गुणसूत्र की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और इस प्रकार के जो जीव होंगे, इस प्रकार के जीवों में दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। कौन कौन सा निर्माण होगा, एक होगा N और दूसरा होगा N-1। ये दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक आपको बता रहा हूं मैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का ही उदाहरण, इसको आप लिख लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम जो लक्षण है यह किसका उदाहरण है, मोनोसोमी का ही उदाहरण है। इसी के साथ दूसरा आता है नलीसोमी। नलीसोमी के बारे में बोलता है, जब द्विगुणित गुणसूत्र, कोई भी द्विगुणित गुणसूत्र है क्रोमोसोम में, उसके सेट में एक युग्म बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने बोला था सिर्फ एक गुणसूत्र, अब यहां पर एक युग्म क्रोमोसोम की हानि होती है। एक युग्म क्रोमोसोम की हानि होती है, अर्थात इसको आप कैसे लिखेंगे, 2N-2, इस रूप में आप इसको लिखेंगे, अर्थात उसमें दो की हानि होती है। तो इस प्रकार से जो प्रभावी जीन होगा वह कैसे, तो इस प्रकार का जो लक्षण होगा उसको बोलेंगे हम नलीसोमी। और जिस संतान में या जिस जीव में यह समस्या उत्पन्न हुई है उसका लक्षण क्या रहेगा, वह संतान जन्म होगा लेकिन वह शक्तिहीन होगा एवं निष्क्रिय होता है। किसके कारण, नलीसोमी के कारण शक्तिहीन व कैसा होगा, निष्क्रिय होता है। यह होता है हाइपोप्लाइडी के अंतर्गत। अब हाइपोप्लाइडी के पश्चात दूसरा हम बात करेंगे असुगुणिता एन्यूप्लाइडी के अंतर्गत, हम इसको पढ़ा, इसके हम प्रकार पढ़ रहे हैं, पहला है हाइपोप्लाइडी, अब दूसरा होता है हाइपरप्लाइडी। हाइपरप्लाइडी के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें एक, जब द्विगुणित गुणसूत्र जो होते हैं उनमें एक या दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए, एक या दो गुणसूत्र की क्या हो जाए, वृद्धि। यहां पर क्या हुई थी हमारी, हानि हुई है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत आसान समझिए, बहुत सरल शब्दों में है कि एक या दो गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है उसे हाइपरप्लाइडी कहा जाता है। इसके भी अलग अलग प्रकार है, इसका हम पहला प्रकार हम जानते हैं, इसका पहला है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो होता है, यदि द्विगुणित गुणसूत्र के, समझिएगा, यदि फ्रेंड्स द्विगुणित गुणसूत्र के एक क्रोमो गुणसूत्र में, द्विगुणित गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, और वह वृद्धि जो होती है वह कैसी, किस प्रकार से हो जाएगी, 2N+1, अर्थात जो युग्मक बनेगा वह कैसा बनेगा, N व N+1, यहां पर N व N-1, यहां N व N+1,
वन प्रकार का बनता है। अब इसका उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल से आप किसी भी टॉपिक को हमेशा याद रखते हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा लक्षण मंगोलिज में, मंगोलिज में प्रकार का जो लक्षण, मंगोलिया या मंगोलिज में वहाँ के जैसे बच्चे, वहाँ के जैसे नर एवं मादा होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वैसे लक्षण इसमें देखने को प्राप्त होते हैं, इसी कारण इसको मंगोलिज में कहा जाता है, या डाउन सिंड्रोम इसका उदाहरण है, जिसको आप लिख लीजिएगा। मैंने बताया आपको मंगोलिज में व डाउन सिंड्रोम, ये इसके दो क्या है एग्जाम्पल है और उदाहरण है इसका, आप इन सब समझिएगा। और ऐसे जो बच्चे होंगे, ऐसे जो संतान होंगे, वह किस प्रकार के लक्षण लेके रहेंगे, मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि प्रकार का इनमें लक्षण पाया जाता है। तो ये हो गया आपका ट्राइसोमी। अब इसी का हम दूसरा प्रकार देखते हैं, ये ए और ये हो गया बी। इसका दूसरा प्रकार होता है दोहरी ट्राइसोमी। दोहरी ट्राइसोमी, दोहरी ट्राइसोमी के अंतर्गत यदि किसी किसी गुणसूत्र में या किसी दो क्रोमोसोम में, यदि किसी जीव के दुगुणित अवस्था में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, अब इसमें एक हुआ था, अब इसमें कितने हो जाएंगे, बहुत शब्दों को समझिए आप, दोहरी मतलब दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 2n प्लस 1, ये एक था प्लस 1, कितने बढ़ गए भैया, दो बढ़ गए, दो फिर तो ये कितने हो गए, दो। तो बोलता है दोहरी क्रोमोसोम की इसमें वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार से इसको दोहरी ट्राइसोमी कहा जाता है। इसी के साथ तीसरा प्रकार भी होता है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी, जब किसी जीव के द्विगुणित, किसी जीव के गुणसूत्रों में बोलता है एक समजात युग्मों की वृद्धि हो जाए, एक समजात मतलब समान समजात गुणसूत्र, एक जैसे जो गुणसूत्र हैं उनकी इसमें आकर के जुड़ जाते हैं, तो उस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है उसको टेट्रासोमी कहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रदर्शित करेंगे 2n प्लस 2 के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं, उसे हम टेट्रासोमी कहा जाता है। तो ये हम देख रहे थे उत्परिवर्तन के प्रकारों के प्रकार के अंतर्गत, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का पहला प्रकार हमने देखा गुणसूत्री उत्परिवर्तन, और गुणसूत्री उत्परिवर्तन को हमने इतने प्रकारों के माध्यम से समझा। अब इसी के उत्परिवर्तन के प्रकारों का एक दूसरा प्रकार होता है। पहला प्रकार में मैं आपको सब बता रहा था, पहले प्रकार में हमने पढ़ा, पहले प्रकार में गुणसूत्री उत्परिवर्तन के अंतर्गत, मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको, आप भी रिपीट करिएगा, कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन के पहले प्रकार में हमने देखा कि सुगुणिता असुगुणिता, असुगुणता के टाइप्स हमने देखे हाइपोप्लाइडी, हाइपोप्लाइडी के हमने टाइप्स देखे दो प्रकार होते हैं, मोनोसोमी और नलिसोमी। फिर उसके पश्चात हमने हाइपोप्लाइडी का पास दूसरा आता है हाइपरप्लाइडी, हाइपरप्लाइडी के अंतर्गत ये प्रकार होते हैं। अब उसके पश्चात हम दूसरा प्रकार देते हैं रचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन। दूसरा प्रकार है इसका रचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन, ये इसका दूसरा प्रकार है। किसका, उत्परिवर्तन के प्रकार कितने हैं, दो, पहला प्रकार आपको समझा चुका हूं मैं, दूसरा प्रकार हमारा प्रारंभ होता है। तो रचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जब गुणसूत्र का विभाजन होता है तो बोलता है अर्धसूत्री गुणसूत्रों के, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कभी कभी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संरचना में यदि परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे रचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसको भी बहुत, इसके भी हम प्रकार देखते हैं, तो इसके अंतर्गत चार प्रकार का होता है। पहला है न्यूनता, या इसी को बोलते हैं विलोपन, यह पहला प्रकार है। न्यूनता एवं विलोपन, दूसरा प्रकार होता है इसका द्विगुणन, तीसरा प्रकार है इसका स्थानांतरण,
और चौथा प्रकार है इसका प्रतिलोमन। ये चार प्रकार से हम बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे रचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन को। तो सबसे पहला प्रकार है आपका न्यूनता एवं विलोपन। तो बोलता है देखो हमको पता है कि हमारे शरीर में कितने गुणसूत्रों का पेयर पाया जाता है, 23 का, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बोलता है इसमें जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां 21वां 22वां 23वां, तो जो पांचवें प्रकार का जो गुणसूत्र होता है, पांचवें गुणसूत्र में यदि बोलता है किसी एक भाग की यदि हानि हो जाती है, तो बोलता है पांचवें गुणसूत्र में यदि किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो हानि होने के कारण उनमें जो लक्षण आते हैं उसी को न्यूनता एवं विलोपन, या कोई गुणसूत्र आपको वहां पर जुड़ जाता है या उससे गुणसूत्र निकल जाता है, तो इस प्रकार का यदि की रचना में परिवर्तन हो गया तो उसे बोलते हैं न्यूनता एवं विलोपन कहा जाता है। यदि गुणसूत्र के ऊपर वाले सिरे में परिवर्तन हुआ तो उसको बोलेंगे क्या कहा जाएगा, अग्रस्त उत्परिवर्तन या अग्रस्त विलोपन या अग्रस्त न्यूनता। यदि गुणसूत्र के नीचे वाले खंड में कोई भाग यदि निकला तो उसको बोलेंगे हम अंतराली, क्या बोलेंगे, अंतराली उत्परिवर्तन कहा जाता है। एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए गुणसूत्र का एक सेट ये है और ये दूसरा सेट है, तो इसमें यदि गुणसूत्रों में जो आपका नाइट्रोजन क्षारक बेस मान लो पाए जाते हैं ए बी सी डी ई और इसमें है एफ जी एच। अब मान लीजिए इसमें जब न्यूनता हो जाती है, न्यूनता की स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसका कोई एक खंड की बोलता है हानि हो गई है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और ये हो गया एफ, इस प्रकार का परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। और जी एच तो हमने परिभाषा बताया कि इसमें किसी एक भाग की क्या हो गई, हानि हो गई, तो इस प्रकार का गुणसूत्र के सेट में तो इस प्रकार की जो उत्परिवर्तन होता है उसे हमने उनका या विलोपन कहा जाता है। द्विगुणन, द्विगुणन के बारे में बोलता है कि गुणसूत्र का कोई एक भाग, गुणसूत्र का कोई एक भाग या उस गुणसूत्र में दो या दो से अधिक बार कहीं पर पाया गया। गुणसूत्र का कोई एक भाग है, एक स्थान पर तो है ही है, दूसरे जोड़े में भी कहीं किसी एक भाग में जाकर जुड़ा हुआ है, तो बोलता है एक खंड एक जगह तो है ही है, उसी गुणसूत्र के किसी दूसरे खंड में भी कहीं पर दिखाई दे रहा है आकर के जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं द्विगुणन कहा जाता है। अब द्विगुणन के बारे में बोलता है कि जिस प्रकार से इसको भी आप समझिए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कोई एक आपका सेट है। अब ए बी सी और एफ जी एच, ए बी सी, ए बी सी और एफ और एच। अब यहां पर आप देखेंगे डी सी डी एफ एफ जी एच। अब द्विगुणन उसी गुणसूत्र में, यहां पर आपको डी और ई नहीं है लेकिन यहां पर आकर के आपको दिखाई, या यहां जो गुणसूत्र का पेयर है इसमें से दोनों गुणसूत्र गायब हैं, गुणसूत्र का एक भाग या दो से अधिक बार उसमें आकर के आपका जुड़ जाता है, तो इस प्रकार का जो गुणसूत्र होता है एबीसी और एफ जी एच और जाकर के यह भाग यहां पर मान लीजिए कहीं पर दिखाई दे रहा है, कौन सा, डी ई, ये भाग दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का जो गुणसूत्र का आपको उत्परिवर्तन होता है द्विगुणन उत्परिवर्तन कहलाता है। तीसरा प्रकार है इसी के अंतर्गत स्थानांतरण। गुणसूत्र के किसी एक खंड, सबसे खंडों का विनिमय होदी हो जाता है, यदि खंडों का विनिमय असमजात गुणसूत्रों के मध्य हो जाए तो इस प्रकार का स्थानांतरण या इस प्रकार गुणसूत्रों का स्थानांतरण उत्परिवर्तन कहलाता है। और चौथा है प्रति